इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर तोड़ने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर टूटने को लेकर दुख व्यक्त किया और इसको लेकर उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राजस्थान के राजगढ़ में प्राचीन मंदिर को गिराने का बीच भाजपा शासित नगर पालिका बोर्ड का निंदनीय फैसला है। हम सभी धर्मों के लिए धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और ये एक गंभीर उल्लंघन है। उम्मीद है कि सभी पूजा स्थलों पर हमलों के लिए बीजेपी आरएसएस माफी मांगेगी। तो उन्होंने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अलवर में शिव मंदिर तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट चल रहा है उन्होंने डिमोलेशन के फोटो पोस्ट किए हैं। बुलडोजर कार्रवाई जो मंदिर पे हो रही है वो तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि राजस्थान के राजगढ़ में प्राचीन मंदिर को गिराने का बीजेपी शासित नगर पालिका बोर्ड का निंदनीय फैसला है। हम सभी धर्मों के लिए धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और ये एक गंभीर उल्लंघन है। उम्मीद है कि सभी पूजा स्थलों पर हमलों के लिए बीजेपी आरएसएस माफी मांगेगी। तो अब इस मंदिर को लेकर ही अब इस मंदिर पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया और उन्होंने बीजेपी और आरएसएस से माफी की मांग की है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।